हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऊन और क्रोसिए से फूल बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने ये रेड कलर की ऊन और 9 नंबर की क्रोसिए लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस ऊन को लेकर के इसको ऐसे घुमा लेंगे, फिर ये 4 चेन बनाएंगे इसमें, इस तरह से 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाना शुरू किया है वहाँ पे इसको डाल के ऐसे स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। फिर जैसे एक हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, फिर जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे लेते हैं, उसी तरह से ले करके ये जो गोला बना हुआ है इसके बीच में ऐसे डालेंगे। लेकिन डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, इसको 2 बार निकालते हैं, इसमें 2 बार नहीं निकालेंगे, एक साथ ही तीनों को ऐसे बंद कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर वापस वैसे ही बनाएंगे और ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हम 5 बार बनाएंगे। इस को ऐसे लिया, फिर इसमें बीच में डाला, ऐसे निकाला और तीनों को एक साथ ऐसे बंद कर देंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, ऐसे 4 और ये 5। सॉरी, हर बार हमें एक एक चेन भी लेते रहना है साथ साथ इस तरह से। फिर हमें चेन लेना नहीं भूलना है, हर बार एक चेन हमें लेना है। अब ये कर लिया, फिर चेन लिया, फिर ऐसे इसमें बीच में डाला ऐसे, फिर ये चेन ले लिया। तो ये हमारा बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 बन गया। अब जो हमने पहली बार बनाया था यहाँ पे चेन लिया था, वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको बांध देंगे इस तरह से। फिर ये सेम जहाँ से हमने बांधा है सेम उसी जगह से फिर हम ऐसे 1, 2, 3 चेन लेने के बाद इसी जगह से इस तरह से पफ बनाएंगे हम। सॉरी, इसको ऐसे लेकर के यहीं से जहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच से बांधा है सेम उसी जगह से इसको ऐसे ऐसे लंबा करेंगे, इस तरह से लंबा लेंगे ढीला। फिर 2 बार कर लिए, 3, 4, 4 और ये 5, 5 बार इसमें से हम ऐसे निकाल करके ये पफ बना लेंगे। अब इसमें अब ये देखिए, ये जो पहले चेन बनाया था उसका है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने 5 बार निकाला तो ये 10 हमारा हो गया। अब इनको सबको एक साथ बंद कर देंगे इस तरह से, फिर अब इन दोनों को ऐसे, फिर वापस 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। ये जो पफ बनाया है ये दोनों साइड से ऐसे चेन से कवर हो जाएगा। फिर जहाँ से हमने ये शुरू किया है यहीं स्लिप स्टिच से इसको बांध देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा ये चेन से हमारा ये पफ कवर हो गया है। फिर वापस नेक्स्ट चेन में, अगले चेन में फिर स्लिप स्टिच से इसको ऐसे बांध देंगे इस तरह से। फिर वापस वैसे ही 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चेन लेने के बाद फिर जहाँ पे हमने ये बांधा है वहीं से फिर ये पफ बनाएंगे, ऐसे ढीला ढीला लेंगे, 1, 2, 3 4, 5 और ये सब एक साथ ऐसे बंद कर देंगे। फिर इन दोनों को भी इस तरह से
इस तरह से इन दोनों को ऐसे बंद कर देंगे। फिर वापस जैसे यहाँ पे तीन चेन लिया है, वापस फिर ऐसे तीन चेन लेंगे, दो तीन, फिर से यहीं पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे स्लिप स्टिच से इसको बांध देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो ये पफ है ये पूरा चेन से पूरा कवर हो जा रहा है ऐसे। ऐसा ही हम ये 6 बार बनाएंगे। अब वापस नेक्स्ट चेन में आगे जो चेन है उसमें इस तरह से फिर तीन चेन लेंगे, फिर इसी में से यहीं से फिर पफ बनाएंगे वापस। ये ध्यान रखना है कि हमारे सारे पफ जो है कि बराबर बराबर बनने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो हमारे ये फूल की ये कली जो बन रही है ये छोटी बड़ी हो जाएगी। फिर ये तीन चेन लिए, इस चेन को जहाँ से हमने स्टार्ट किया है सेम उसी जगह स्लिप स्टिच से इसको बांध देंगे इस प्रकार से, ये देखिए। फिर आगे की जो चेन है इसमें फिर यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, फिर ये तीन चेन ऐसे, ये 1 2 3 बन गया, 3 और बनाएंगे, 6 बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने ये 6 कली इसकी बना करके तैयार कर ली है। अगर ये पफ्स आपको और बड़े चाहिए तो अब आप में जो हमने इसको 5 बार निकाला है आप इसमें 6-7 बार ऐसे निकाल सकते हो। अब ये हो गया, ये वापस जहाँ हमने पहली बार वो किया था वहाँ से इसको इस तरह से बांध देंगे स्लिप स्टिच से। फिर इसके अंदर से ऐसे धागे को निकाल के यहाँ पे हम थोड़ा लंबा धागा हम कट कर लेंगे। ये देखिए देखिए कितना सुंदर सा फूल बन करके तैयार हो गया। अब हम इसमें सुई में इस धागे को डाल, हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब एक मोती हम यहाँ पे बीच में टाँकेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने ये आपको जैसी मोती पसंद है आप वैसे यहाँ पे टाँक सकते हो। हमने यहाँ पे ये रेड में ये ग्रीन कलर की मोती हम टाँक रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये प्यारा सा फूल बन करके तैयार हो गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। हमारे ये फूल की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे ये फूल आपको कैसा लगा। थैंक यू।